الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري و لقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين कैसी हैं आप सब उम्मीद करती हूँ मान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी अल्हम्दुलिल्लाह हम रा मोटा और बारीक़ पढ़ने के कायदे पढ़ रहे थे और हम रा साकिन पढ़ रहे थे तो आज जो रूल हमने पढ़ना है जो कायदा पढ़ना है उसको आपने बहुत गौर से ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रामर का रूल आ गया है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि हम आसान तजवीज़ पढ़ रहे हैं तो जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक मैं आपको समझा दूँगी आज हमारा रूल है कि जज् वाली रात से पहले ज़ेर हमज़ा वसली पर हो या जज्वम वाली रात से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो इन दोनों सूरतों में रॉ को मोटा पड़ेंगे ठीक है अब इधर पहली जो उन्होंने दी हुई है ए रोजी ई अब इसमें बाहिर तो नज़र आ रहा है कि रॉस हाकिन के पीछे ज़ेर है तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि रॉ शाकिन को मोटा पढ़ना है वो इसलिए कि ये हमज़ा जो है ना ये अलीफ़ के नीचे जो ज़ेर है हमजा के नीचे ज़ेर ये वसली है वसली मीन्स कि मिलाने के लिए इधर आरजी तौर पर ज़ेर लगाई गई है ठीक है ये ग्रामर का रूल है जो ग्रामर पढ़े हुए हैं उनको ये पता होगा तो इधर अब हम आयत में से देख लेते हैं जो प्रॉपर आयत में उन्होंने दिया हुआ है ये जो आयत है सूरतुलफज्र में कि तूह नन् जब हम इधर रुकेंगे तो आगे रॉसाकििन है उसको मिलाने के लिए पीछे हम हमज़ा को जेर देते हैं जेर हमज़ा वसली है ये ठीक है इसके ऊपर कोई हरकत आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये ज़ेर आरजी तौर पर लगाई गई है मिलाने के लिए तो तब हम इस रॉ को रा को मोटा पड़ेंगे ई रोजी ठीक है अब आगे देखें दूसरा जो उन्होंने कहा कि या जजम वाली राह से पहले जेर दूसरे कलमे में हो अब इसमें रब्बी ऊन में देखें रब्बी अलीदा हरफ है ठीक है और ए रोजी ऊन इसमें दरमियान में हमजा वसली आ गया मिलाने के लिए अगर इस कंडीशन में आए तो तब भी अपने रॉसाकिन को मोटा पढ़ना है या रौसाकिन से पीछे यानी कि जेर हमजा वसली पर हो खुद आरजी तौर पर उसको जेर दी गई हो तब अपने रोसाकिन को मोटा पढ़ना है अब आगे देखें अब ए रोहम पे देखें ये भी हमजा वसली है इसलिए आपको तो इधर जेर लगी हुई नजर आ रही है लेकिन जब हम इनकी आयत देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये खाली अलिफ था हमजा वसली था तो इसको मिलाने के लिए जेर दी गई है तो आगे देखें ए रो तब तुम अब इसमें भी रौसाकिन को मोटा पढ़ेंगे इसी तरह इ न इतब तुम अब अब ये उन्होंने कुछ कुरान से मिसालें ली होंगी समझाने के लिए तो आपने दो बातें याद रखनी है कि जब रो साकिन से पीछे हमजा वसली हो यानी कि आरजी जेर हो तो तब हमने रो साकिन को मोटा पढ़ना है ठीक है और या दूसरे कलमे में हो जैसे इस कंडीशन में रो बोजून अब रबी अलहदा हर्फ है और इर्द यौन अलहदा है दरमियान में हमजा वसली आ गया है मिलाने के लिए तो इस सूरत में भी आपने रौसाकिन को मोटा पढ़ना है रौसाकिन को तब आपने बारीक पढ़ना है जब जेर उसी कलमे में हो यानी कि ना तो वो हमजा वसली हो और ना ही वो दूसरे कलमे में हो उसी कलमे में हो जैसे इसकी मिसाल आप ले लें फिर अन ठीक है अब फिर आउन पे देखें जेर उसी कलमे में है रा साकिन से पीछे फा है और उसी कलमे में है एक ही लफज बन रहा है पढ़ने में तब आपने रा को बारीक पढ़ना है पहले वैसे देख लेते हैं ईजा नصر الله अब इस पे ईजा टू टाइम्स लॉन्ग हो जाएगा ज जा मद आ गई है तो फाइव टाइम लॉन्ग होगा नصر में صاد फैट है र भी और अल्लाह भी फैट होगा आगे देखें वरायत الناس रॉ फैट हो जाएगा नून मुशद थ्री टाइम होल, टू टाइम्स लॉन्ग हो जाएगा ये देू न दाल कलकला हो जाएगा खॉ फैट हो जाएगा लू टू टाइम्स लॉन्ग हो जाएगा फी दी नीला ही एफ व ज अब इसमें फी भी टू टाइम लॉन्ग है दी भी दी नीला में दी टू टाइम लॉन्ग हो जाएगा एफ़ व ज और ज टू टू टाइम्स लॉन्ग हो जाएंगे ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا آگے فسبح بحمد ربك وَاسْتَغْفِرْهُ اب اس میں رو وَاسْتَغْفِرْهُ ہے وستغفر میں और जिम की वजह से हम स्टॉप कर रहे हैं इधर हाथ साकिन पड़ रहे हैं इन